फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी S24 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का जो ईयर स्पीकर होता है अगर वो काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन का जो ईयर स्पीकर होता है अगर वो काम नहीं कर रहा है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन का फाइल का जो ऐप होता है इसे ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में सबसे ऊपर सिस्टम ऐप पे टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे की साइड एक ऑप्शन मिलता है, ये वाला एंड्रॉइड सिस्टम, इसके ठीक सामने आपको थ्री डॉट पे टैप करना है। आपका ये पेज आएगा छोटा सा, इसमें ऐप इन्फो पे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड स्टोरेज पे टैप करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपके कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला काम आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। पहले तो इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर आपको लिखना है। आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है, तो इसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है, अगला काम करना क्या, आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ कर लेना। होता है क्या, उसमें थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण स्पीकर काम नहीं करता है, तो ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। फैक्ट्री डेटा रीसेट पे टैप करेंगे तो अगले पेज में आपको नीचे की साइड रीसेट का ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन का जो ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। ठीक है, मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करना है, इससे आपकी प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके ना मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, सर्विस सेंटर में चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपके मोबाइल फोन का ईयर स्पीकर काम नहीं कर रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताएं। ठीक है।